हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं, तो भाई इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि मेरे प्यारे प्यारे से बर्ड्स जो हैं वो मेरे पास बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से एक कान में कुसुड़ कुसुड़ कर रहा है, एक मेरी चेन को काट रहा है, दो यहाँ बैठे हुए। तो भाई वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा और टाइटल आपने देख लिया होगा कि पैरेट को जो है गर्मियों में, मतलब यानी कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में इनको क्या मतलब फीड दें तो अच्छी हो इनके लिए, क्या इनको खाना दें कि जो इनके लिए बेहतरीन हो। एक मिनट ज़रा मैं इनको बिठा दूँ। चलो बैठ जाओ भाई यहाँ पे, और इनको भी हटाऊँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं ये, हाथ पे आ जाओ। तो क्या ऐसी फीड देनी चाहिए जिससे आपका बर्ड जो है वो एक्टिव रहे, हेल्दी रहे, चाहे ग्रे पैरेट हो, मकाओ हो, काकाटू हो, सही है ना? तो ये इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, रिंग नेक हो गए, रॉ हो गए, सही है? आप इधर आ जाओ बेटा, तंग कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, इनको यहाँ बिठा देते हैं। तो भाई पैरेट को गर्मियों में आपने करना क्या है कि अपने दाने में सबसे पहले थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि आपने जिस टाइम दाना देना है उसमें मूँगफली और सनफ्लावर का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर देंगे, सही है? गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और आपने जो है जई उसमें थोड़ी सी बढ़वा लेनी है, जई क्योंकि ठंडी होती है उसकी तासीर। और सॉफ्ट फूड वगैरह में आपने गंदम, लाल चावल का इस्तेमाल कर लेना है, मतलब अगर कोई चना देता था, लोबिया देता था, सही है ना, तो उसमें आप गंदम और लाल चावल का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि लाल चावल जो होता है वो ठंडा होता है, सही है? आप लोग लड़ो नहीं, वीडियो बनाने दो, सही है? तो ये करना है आपने सॉफ्ट फूड में, दाने में आपने ये करना है कि मूँगफली सनफ्लावर का इस्तेमाल कम करना है, जई का इस्तेमाल आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है? बाकी आ जाते हैं अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, कौन से फ्रूट्स देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए। देखें फ्रूट्स तो आप सारे दे सकते हैं, लेकिन फ्रूट कोशिश करा करें, क्योंकि मीठे होते हैं फ्रूट तो शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फ्रूट जो है हफ्ते में दो बार तीन बार दिया करें, सही है? अब बहुत से लोग बोलते हैं अदील भाई केला दें या ना दें, केले से नज़ला हो जाता है, नहीं होता। देखें वो पैरेट जिनको नज़ला होता है उनको थोड़ा सा केला अवॉइड करें, बाकी पैरेट को आप केला दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मतलब अगर सही पैरेट है इसको आप केला खिला सकते हैं, मैं अपने पैरेट को खिलाता हूँ, सही है? अब आ जाते हैं वेजिटेबल्स पे कि वेजिटेबल्स कौन कौन सी देनी चाहिए। अक्सर बहुत सारे इंजीनियर बोलते हैं लहसुन दे दें, अदरक दे दें, प्याज दे दें, आलू दे दें, भाई ये चीज़ें नहीं देते। जो सब्ज़ियाँ हम कच्ची खुद भी खा लेते हैं कभी कभार, जैसे मटर हो गए, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, चुकंदर हो गया, सही है ना, चुकंदर के अलावा शलजम हो गया, ठीक है, पालक वगैरह ये लोग इतना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर उसकी डंडियाँ, जो पालक आप काटते हैं उसकी डंडियाँ अगर आप देते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है पालक, सही है? और थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, अगर छोटे पैरेट आपके खा रहे हैं बजरी वगैरह, कॉकटेल वगैरह, तो उनको डाल सकते हैं। बाकी आप इनको लौकी दे सकते हैं, लौकी बहुत अच्छी होती है इनके लिए, ठीक है ना। सब्ज़ी का इस्तेमाल आप पूरा हफ्ता करा सकते हैं, सही है, पूरा हफ्ता करा सकते हैं। शिमला मिर्च जो होती है उनसे इनके परों की बहुत अच्छी कंडीशन होती है, फिनिशिंग में आता है तोता। लौकी जो है वो इनके लिए बड़ी बेहतरीन रहती है, सही है? और जिन पैरेट ने मतलब चिक्स दिए हुए हैं उनको आप सब्ज़ी तो मतलब दिन में दो बार भी डालें तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? मतलब ये मैं अपने पैरेट को ये करता हूँ कि गर्मियों में उनकी ये खुराक करता हूँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि आपने तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा कराना है, जैसे अभी गर्मी शुरू हो गई है तो आपने तरबूज ज़्यादा दें, खरबूजा ज़्यादा दें, जो मौसम का फल है। तरबूज तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है हमारे लिए भी और इनके लिए भी। और एक चीज़ और है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, गंडेरियाँ। गंडेरियाँ ये बहुत शौक़ से खाते हैं, गर्मियों में इनके लिए बेस्ट होती है, गंडेरी डाल दें छोटे छोटे। अगर बड़े पैरेट हैं ये हैं, इनको गन्ने के टुकड़े भी आप डाल सकते हैं, दे सकते हैं, गन्ना बड़ा भी आप इनके पिंजरे में लगा सकते हैं, ये उन्हें चबाते रहेंगे, ठीक है, बेहतरीन होता है। मतलब यानी कि जिन लोगों ने मुझसे पूछा था अदील भाई डाइट प्लान हमें बताएं पैरेट का, तो मैंने इसमें आपको पूरा वीकली डाइट प्लान बता दिया। अब आप अपने हिसाब से शेड्यूल चेंज कर सकते हैं कि एक दिन आपने सब्ज़ी दे दी, सब्ज़ी तो खैर आपने कंटिन्यू देनी है, फल एक दिन दे दिया, एक दिन सॉफ्ट फूड दे दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं, दाना इनका कंटिन्यूसली चलता रहेगा, सही है? अब बहुत से लोग बोलते हैं यार रात में देना क्या नुकसानदेह होता है। रात में देखें हम खुद भी नहीं खाते हैं अक्सर, आपने देखा होगा फल वगैरह ये वो, रात में इनका सोने का टाइम होता है, कभी कभार गैस वगैरह हो जाती है या कोई फल या कोई सब्ज़ी बादी है, तो कोशिश करा करें दिन में दें, लेकिन अगर रात में कभी पैरेट खुला हुआ उसने कुछ खा लिया तो टेंशन ना लें। अच्छा, बहुत से लोग आ जाते हैं क्या रोटी, डबल रोटी देनी चाहिए, अगर आप दे भी तो ब्रेड दे सकते हैं, हफ्ते में दो बार दे सकते हैं, सही है?
एग और ब्रेड दे सकते हैं आप। गर्मियों में ये कि उसका जर्दी निकाल लें आप और सफ़ेदी के साथ जो है वो ब्रेड उसको हलवा बना के आप दे सकते हैं हफ्ते में 2 बार 3 बार। कोई बिस्किट अगर डालना चाहे, लेकिन टॉफियाँ चॉकलेट्स वगैरह इनको कतई ना दें, इनके लिए नहीं बनी है आइसक्रीम टॉफियाँ चॉकलेट। ये इनको बीमार करती है, मैदे में प्रॉब्लम करती है, उल्टी मोशन लगा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको डेली डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें और हमारे प्यारे प्यारे से बर्ड्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।